पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश जाजड़िया हत्याकांड मामले का मुख्य आरोपी तथा गब्बर गैंग का सरगना अरविंद उर्फ गब्बर पुलिस की गिरफ्त में। झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश जाजड़िया हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। झुंझुनू पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा के निर्देशन में बग्गड़ पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी व 5,000 रुपए के इनामी गब्बर गैंग के सरगना अरविंद उर्फ गब्बर को उदयपुर से गिरफ्तार किया है। झुंझुनू पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश जाजड़िया हत्याकांड प्रकरण में जिला पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। इसमें कि संपूर्ण घटनाक्रम का मुख्य अभियुक्त अरविंद उर्फ गब्बर, जो कि सो कॉल्ड गब्बर गैंग का अपने आप को सरगना बताता है, उसे जिला पुलिस ने बगड़ थाना पुलिस द्वारा उदयपुर से दस्तयाब कर गिरफ्तार किया है। ये जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है, ये प्रकरण में मुख्य अभियुक्त है और 5,000 रुपये का इनामी भी है। ना केवल उदयपुर में बल्कि गुजरात में भी इन्होंने फरारी काटी है। तो पुलिस टीम ने हमारी SHO बगड़ के नेतृत्व में इसका लगभग 30 किलोमीटर पीछा करके और फिर इंटरसेप्ट करके जो है इसे वहाँ से दस्तयाब किया। ये जगह जगह बदल कर लगातार जो है कम समय के लिए एक जगह पर टिक रहा था और लगातार एक जगह एक समय जो है लंबे समय तक ना रुक के बार बार जगह परिवर्तन अपना जो है कर रहा था। और बाकी बचे हुए आरोपी जो हैं वो भी पुलिस के रडार पे हैं और शीघ्र ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। उस बारे में अभी विस्तृत अनुसंधान बाकी है। चूंकि प्राथमिक रूप से मर्डर का मुकदमा है, वो हमारे लिए जो है वो प्रायोरिटी पे है। इसके अलावा अन्य अपराधों के संबंध में मर्डर के अलावा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इनका किस प्रकार की वारदातों में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है और इसके साथ में अन्य और कौन व्यक्ति संलिप्त रहे हैं, उसके बारे में पृथक से पूछताछ की जाएगी। वहीं 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाला 10,000 रुपए का इनामी लोकेश गुज्जर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। SP मृदुल काछवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी घटना का विवरण बताया है। वर्ष 2021 अगस्त माह की ये घटनाक्रम है, जिसमें कि आरोपी लोकेश गुजर द्वारा एक व्यापारी सिंघाना थाना क्षेत्र में व्यापारी मनीष को व्हाट्सएप कॉल करके और रंगदारी के पैसे मांगे गए थे और रंगदारी के पैसे ना दिए जाने पर फायरिंग अथवा अन्य किसी प्रकार की घटना की वारदात किए जाने की धमकी दी गई थी। इसी घटनाक्रम को फॉलोअप करते हुए जो मुख्य आरोपी इसमें है लोकेश गुजर, इसको CO बुहाना के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें SHO सिंघाना तथा DST टीम भी शामिल थी। लगातार जो मुख्य आरोपी है, इसकी लोकेशन गुड़गांव तथा आसपास के क्षेत्रों में आ रही थी और कल जो है पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है, जिसमें कि 10,000 रुपये का इनामी अपराधी और रेंज लेवल पे टॉप 10 अपराधियों में ये शुमार था, जिसे पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से एक अवैध हथियार भी बरामद किया गया है और वर्तमान में प्राथमिक दौर की पूछताछ में इससे सामने आया है कि क्षेत्र में और भी कई व्यापारियों को रंगदारी के लिए इसके द्वारा कॉल की गई थी और इसके अलावा इस प्रकरण के अलावा लगभग 10 से ज़्यादा प्रकरणों में ये वांछित है, जिसमें कि जिला सीकर, जिला चूरू, जिला झुंझुनू और हरियाणा के भी कुछ मुकदमों में ये वांछित है। दौरान भी स्कॉर्पियो लूट की वारदातें और चोरी की वारदातें, नकबजनी की वारदातें और रंगदारी की, मुख्यतः रंगदारी की जो वारदातें हैं वो झुंझुनू और हरियाणा इस संपूर्ण क्षेत्र में ये वारदातों को अंजाम इसके बाद दिया गया। कुछ लोगों ने मुकदमे दर्ज करवाए हैं, जैसे एक मुकदमा तो ये सिंघाना का है, झुंझुनू का, और इसके अलावा हरियाणा में कुछ प्रकरण दर्ज हैं। इसके अलावा जयपुर कमिश्नरेट से स्कॉर्पियो चोरी में ये वांटेड है, सीकर जिले से भी कुछ घटनाओं में ये वांछित है। तो कुल मिलाकर के लगभग 10 से ज़्यादा प्रकरण ऐसे हैं जिसमें ये गिरफ्तारी इनकी पेंडिंग है। जिन व्यापारियों से रंगदारी मांगी थी, यदि वो अब सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर जो है जिला पुलिस के द्वारा यही संदेश है कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी प्रकार का कोई अपराधी हो, यदि रंगदारी के लिए आपको कॉल करता है तो निडर होकर के सामने आए
और अपना मुकदमा दर्ज करवाएं। जिला पुलिस जो है निश्चित तौर पर उसमें प्रभावी कार्रवाई करेगी। वहीं आज सुबह सोती रोड बीहड़ के पास एक बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार सोती से झुंझुनू की तरफ जा रहा था, वहीं पीछे से बस ने बाइक सवार छोटू राम मेघवाल को टक्कर मार दी। टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। परिजनों ने थाने में बस चालक पर मुकदमा दर्ज करने के लिए परिवाद दिया है। बाइक सवार छोटू राम मेघवाल सोती गांव का ही रहने वाला है। सुबह थाने पे सूचना मिली कि बीड़ में सोती रोड पर रोड एक्सीडेंट हो गया। इतला पर मौके पे पहुंचे तो मृतक छोटू राम स्वरूप नारायण राम मेघवाल निवासी सोती को पूर्व से मेडिकल हॉस्पिटल लेके आए थे, जिनकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई, जिसका पोस्टमार्टम कराया जाकर लाश वारिसान को सुपुर्द की गई है। एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मृतक कहाँ से कहाँ जा रहा था? मृतक सोती से झुंझुनू आ रहा था मोटरसाइकिल पे। सर परिजनों ने क्या रिपोर्ट दी है? परिजनों ने रिपोर्ट दी है कि बस चालक द्वारा तेज गति और लापरवाही चलाकर पीछे से मोटरसाइकिल के टक्कर मारी। बस को जब्त किया? बस को अभी जब्त किया जाएगा।